समाज सेवा और मानव एकता की भावना को लेकर एक समाज सेवक निरंतर समाज सेवा में लगा रहता है, लेकिन वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम के अपने सपने को समाज सेवक पूरा होता नहीं पाता है। ऐसे सच्चे समाज सेवकों को ब्रह्मा कुमारी संस्था का यही कहना है कि वह आध्यात्म मूल्यों और सिद्धांतों के साथ अपनी सेवाएं करें, तभी वसुदेव कुटुंबकम का सपना साकार हो पाएगा। आप लोग जो एक ऐसा काम करते हैं कि आदमी के अंदर जो अंतरात्मा छुपी हुई है उसको उजागर कर देते, बाहर आ जाती है अंतरात्मा, और उस अंतरात्मा में कितनी शांति, कितनी गंभीरता, कितनी गहराई है, वो इस संस्था के जो भी अनुयायी हैं उनके चेहरे पे, मुखमंडल पे तेज की तरह एकदम से चमकती। हर समय और हर परिस्थिति में समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले समाज सेवियों को यही संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मुख्यालय माउंट आबू में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें देश भर के सैकड़ों समाज सेवी भाग लेने ज्ञान सरोवर के प्रांगण पहुँचे थे। हम स्वयं इस सृष्टि में परमात्मा का एक स्वरूप बनकर जी रहे हैं, उस बात को कभी महसूस नहीं करते हैं। समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस चार दिवसीय सम्मेलन में उद्घाटन सत्र का आगाज राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे, नेपाल नारायणगढ़ से आए मित्र मिलन समाज के अध्यक्ष बालाराम जोशी, प्रभाग के अध्यक्ष राजयोगिनी संतोष दीदी, उपाध्यक्ष बीके प्रेम सिंह, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, दिल्ली से आए प्रख्यात समाज सेवक डॉक्टर जीपी भगत, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण रोटेरियन सजीव पटेल ने किया। सम्मेलन में चर्चा के लिए विषय चुना गया था ईश्वरीय योजना के अंतर्गत मूल्य आधारित समाज की पुनर्स्थापना, जिस पर प्रभाग के पदाधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने क्या कहा वो सुनिए। जिस प्रकार मोटर की जो बैटरी और डिस्चार्ज होने के बाद उसको चार्ज किया जाता है, वैसा ही आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है उसका कनेक्शन जब सर्वशक्तिवान से किया जाता है, बुद्धि का कनेक्शन, तो धीरे धीरे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे वृद्धों को पिछली बार भी मुझे मौका मिला था तो मैं कहा ये बात कि सबको ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लेना चाहिए। कम से कम घर में जो वो तड़पते रहते हैं, अमर्यादित भाषाएं सुनते हैं, उनका मान सम्मान नहीं होता है, यहाँ जो वहाँ वो दुखी रहते हैं, कम से कम यहाँ आएंगे, सेंटरों पर, केंद्रों पर जाएंगे तो एक दुख तो, मानसिक दुख तो दूर हो ही जाएगा। कर्म करने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा जो कर्म करती हूँ उसका फल मुझे ही मिलता है, न कि अन्य को मिलता है। मैं करूँगा, मेरे परिवार वाले सुखी होंगे, नहीं, वो ऋणानुबंध संसार ऐसा माना जाता है कि हम उधार चुक चुक कर रहे हैं, जो लिया वो दे रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे। वही सम्मेलन के समापन सत्र में श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज भुज के चेयरमैन विनोद एल चौहान, अन्ना साहेब चाकोटे, इंग्लिश स्कूल के वाइस चेयरपर्सन सतीश चाकोटे, जयराम जगवानी मंच पर उपस्थित रहे और समाज सेवा में आध्यात्मिकता के समावेश का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वो इतना काम करता है समाज के उत्थान के लिए, अच्छे अच्छे विचारों को प्रदर्शित करने के लिए, अच्छे अच्छे विचारों को लोगों के दिमाग में उत्थान करने के लिए, कि इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जब हम बर्तन धोते हैं तो उसे अंदर से ज़्यादा साफ करना पड़ता है, बाहर से कम साफ करें तो भी चलता है। तो इसी तरह हमको भी यहाँ से अंदर से साफ होके जाना है, बाहर से साफ तो हम होते ही है, लेकिन अंदर से साफ करने की जिम्मेदारी जो है ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सहयोग से हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेकी बहुत ऊंची चीज है, किसी का भला करना बहुत ऊंचा भाव है।
पर नेकी कर दरिया में डाल, नेक काम करके फिर भूल जाओ, ये सोचो भी नहीं कि मैंने कुछ किया भी। और नेक काम करने के लिए किसी से पूछो भी नहीं, क्योंकि इसीलिए कहावत भी है, नेकी और पूछ पूछ। आपको नेक कार्य करना है, कोई सेवा करनी है, तो 10 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप करो।